तो अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, जिस पर आपके स्कूल में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। हम ग्राफ बना रहे हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूटन्स इक्वेशंस वैलिड कब होते हैं? वैलिड तब होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब क्या है? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट कब होता है? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। तो यहां से हमें पता चलेगा कि दिस इंप्लाइज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूं, कुछ ऐसा। मैं टी के नेगेटिव रेंज में नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम कभी नेगेटिव टाइम की तरफ नहीं बढ़ सकते। मैं सिर्फ पॉजिटिव टी के लिए ग्राफ बनाया, मैंने कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, इसी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी गिवन टाइम टी पर जो वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां वी ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये जो एंगल बना, एंगल छोड़िए, यहां से अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा टोटल टाइम टी है, या टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, और ये इसको टी से रिप्रेजेंट कर लो, और ये आपका डेल्टा वी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। दिस इंप्लाइज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन चुका है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मुझे सेकेंड पार्ट में क्या निकालना होगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस होल एरिया, दिस होल एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू एरिया किसका है? ये कैसा शेप है? ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, इसलिए ये एरिया किसका है? ट्रेपीजियम का है। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड तो यू है और ये साइड कितना है? वी है। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, ये रहा, ये कितना है? टाइम टी है ना। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी की जगह मैं वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी डालता हूं, तो यू प्लस एटी टाइम्स टी, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यह आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं यहीं से वी प्लस यू निकाल लूंगा। वी प्लस यू इज इक्वल टू टू एस बाय टी। मैं इसको इक्वेशन नंबर ए और इसको इक्वेशन नंबर बी बोलूंगा, और काम करता हूं ए को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, यहां से लिख लेता हूं वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इसको इक्वेशन ए बोलता हूं। बेसिकली यहां से भी कर सकता था वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी,
और यहां v प्लस यू इज इक्वल टू टू एस बाय टी है। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां v माइनस यू है, यहां v प्लस यू है, क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी इंटू टू एस बाय टी, टी टी गया, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ का यूज करते हुए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को फटाफट डिराइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मैं पहले भी सिंपल एल्जेब्रा से डेरिवेशन करवा चुका हूं, बट मोस्टली आपको स्कूल में यही डेरिवेशन करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसको समझ कर लर्न कर लीजिए। लर्न करने का मतलब रट्टा मारना नहीं होता, लर्न करने का मतलब होता है ठीक से समझ कर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत ना पड़े, इतना अच्छे से आता हो कि सोचने की जरूरत ना पड़े कि अगला स्टेप क्या होगा। अब आप अपने चैप्टर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो मोशन चैप्टर के, आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आए तो डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।